Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you so much for your precious love, time and respect. Friends, I heartily value out your all kind of prayers, all kind of blessings that you always shower on my happy universe. You know very well, your happy universe is the channel of serving the happiness. When we just really happy within ourselves, we really reflect the real happiness on our face and our one vibration of happiness will go to the universe. It will come back to us and we will reflect on us and we will reflect on each other. So you please just reflect on my happy universe by just keep smile in your face and just click on the subscribe button and click on the bell icon button of the all notifications so that you get become the most beautiful and most precious part of my happy universe. So friends, stay blessed and stay happy with my happy universe. And you know me very well. Who am I? I'm Shalini. I'm a teacher. Always here to make you so very special, so very blissful, so very graceful in your own channel of happiness that is called My Happy Universe Shalini One. So friends, let's start the video what we have discussed till now. We have discussed with first of all friends with our thanks. Thank you God and thank you God for My Happy Universe has completed more than 30,000 viewers. Thank you so much. And our first video also crossed more than 1500 viewers. So you all stay blessed and just showering your love and time on My Happy Universe. Next friends, we have discussed with the all aspects of the health. After that friends, we have discussed with the body, mind, spirit, our mind, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission has completed. After that, law of love above all what means main hu and above me is my happiness. मेरी और आपकी खुशी. और आज है हमारा पार्ट नंबर 3 जिसमें आज हम बात करेंगे कि वो कौन से चिन्ह हैं जो आपको बता देते हैं कि आप सच में ही बहुत आत्मिक हो. आप आत्मिक हो या आप आत्मिक बनना दिखाना चाहते हो वो तो सिर्फ और सिर्फ आज इन साइंस से आपको पता चल जाएगा. उससे भी बेटर फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि हम अपने बॉडी के माइंड के लेवल पे किस लेवल पे हैं, क्योंकि ये सब चीजों को समझने के लिए हमें अपने थॉट्स के ऊपर बहुत कंट्रोल करना जरूरी होता है. एंड ये सब चीजें हमें धीरे धीरे मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ हमारे अंदर आती जाती हैं. तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस में और ग्रो करने में हम सब साथ साथ हैं. हम सबकी लाइफ समवट सेम हो सकती है, एक्सपीरियंसेस सेम हो सकते हैं और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं. यूनिवर्स है, हर तरह के लोग हैं, तो वही हर तरह की पॉजिटिविटीज भी हैं, क्वालिटीज ऑफ स्पिरिट्स भी हैं. लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने आपको क्या बताया. पहली इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट में हमने की, स्पिरिट प्लस लॉ ऑफ लव प्लस हायर वाइब्रेशन, हमारा आत्मिक होना और हमारा हायर वाइब्रेशन मतलब खुशी और आनंद में होना और एक प्रेम पूर्णता रखना. जब ये तीनों फॉर्मूला साथ में होंगे 3:1 तो वो 1 बना देगा और वो आपको एक्चुअली में ही एक कंप्लीशन कर देगा एक स्पिरिचुअल पर्सन की एक फुल फॉर्म में. नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका मैंने सेकंड जो पार्ट किया जिसमें हमने किया कि इज पॉजिटिव अट्रैक्ट रियली पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम स्पिरिट लेवल पे होते हैं तो हम हर एक आने वाले नेगेटिव के पीछे की पॉजिटिविटी देख लेते हैं एंड हम उसको कहते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव. अब ये हमारा नजर और नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दुनिया को, हम सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं. वैसे ही फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक गिलास को भरते हैं तो कुछ लोग उसको कहेंगे कि आधा खाली है और कई लोग उसको कहेंगे कि आधा भरा है. तो कहीं ना कहीं हमारी परसेप्शन, हमारी थिंकिंग इन्हीं चीजों से ही जज आउट हो जाती है. अगली बात फ्रेंड्स आज बात करेंगे कि साइंस ऑफ स्पिरिट्स, आखिर आप कितने लेवल के स्पिरिचुअल हैं आज हम बात करते हैं. व्हेन फ्रेंड्स वी कैन जस्ट रिस्पेक्ट ईच एवरीवन्स थॉट्स, वैल्यूज, परसेप्शंस, क्योंकि हम सबके रेयरिंग्स, हम सबके थॉट्स, हमारा सोचने का, देखने का, चीजों को समझने का नजरिया अलग अलग है. तो चलिए फ्रेंड्स हो सकता है हमारे थॉट्स कुछ समवट आपसे मैच जरूर करते होंगे. तो पहली जो हमें क्वालिटी और पहला जो एक साइन जो हमें सबसे बेस्ट देखने को मिलता है, इट्स इनर गाइडेंस, इनर पीस. आखिर किस तरह की इनर पीस? हम अगर बहुत सी बातें कही जाती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, आखिर शांति ही क्यों मांगी जाती है? हम सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा पीस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन अशांत है, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है. तो जब हम अपने स्पिरिट लेवल पे इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनर पीस मिलती है. वो इनर पीस क्यों मिलती है? क्योंकि हम अपने साथ, अपने डिवाइन के साथ, अपने डिवाइन एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं. एंड वन पीस टुवार्ड्स योर हैप्पीनेस क्या है? वही पावर ऑफ थैंक यू. व्हेन यू जस्ट ग्रेटफुल टुवार्ड्स योर लाइफ, यू जस्ट बी इन्वाइट योर जस्ट योर पीस इन योर लाइफ. तो पीसफुल होने के लिए ग्रेटिट्यूड रखना भी बहुत जरूरी है.
अगली बात फ्रेंड्स आपका कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल ओवर योर बॉडी एंड माइंड, क्योंकि स्पिरिट इन दोनों चीजों को ही कंट्रोल करता है। और साथ साथ जब हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो किस तरह का कंट्रोल होता है, या समटाइम हम अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, अपनी ऐसी बहुत सी विशेज होती हैं, ऐसी वो लालसाओं वाली विशेज जिनके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। देन इसी कंट्रोल से जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, तो हम दूसरों को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही अपने को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आ गया हमारा जॉय, आप आनंदित रहते हैं। किस तरह का आनंद? वो वाला आनंद जिसमें आपको लगता है कि हाँ मस्ती कर ली, मजे कर लिए, बहुत वाह हो हम बहुत अच्छा फील करते, या वो आनंद जिसमें हर वक्त मन में मगन रहते हो, भी आपके मन में एक शांति रहती है, आप एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे रहते हैं, आपको सिचुएशंस के ऊपर जो है वो रिएक्ट करना नहीं आता, यू विल बी अ वेरी सिचुएशनल नॉट बट यू विल बी इमोशनली इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ एंड यू विल नॉट रिएक्ट टू वार्ड योर सिचुएशन, यू विल एक्ट बट यू विल एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पिरिट लेवल। अब वो स्पिरिट लेवल के अकॉर्डिंग आप कैसा एक्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट आ गया आपका इनर गाइडेंस। अब इनर गाइडेंस को मैं यही बता रही हूँ, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल, आप अपने विस्डम लेवल को यूज करोगे अपने आप को गाइड करने के लिए। आपका स्पिरिट अपने आप आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे गाइड करेगा, हर सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, हाउ टू डील विद द पर्सन, हाउ टू डील विद अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द पर्सन, क्योंकि यही चीजें जो है वो हमें एक दूसरे से और अपने आप से सीखने को मिलती है। अब अगली बात, जब आप और ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे तो फ्रेंड्स आप पता क्या ओवर पावर करेंगे, यू कैन ओवर पावर द पर्सन हु इज ऑन द लेवल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो अगर स्पिरिट वाला पर्सन होगा तो ऑब्वियस है वो तो आपके जैसा ही होगा, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, सेम अट्रैक्ट सेम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लव। लेकिन ऑपोजिट दैट, कि अगर आप और ऐसी पर्सनैलिटीज को डेवलप करते हो जिनके थॉट्स पैटर्न्स आपसे अलग है और आप स्पिरिट में हैं, तो आप ओवर पावर करोगे बॉडी वाले पर्सन को भी और माइंड वाले पर्सन को भी, और ये आपको करना नहीं पड़ेगा। सिचुएशंस सब कुछ हर चीज सर्कमस्टेंसेस आप अपने आप ही उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, आपका स्पिरिट आपका कंट्रोल ले लेगा और आपको वो चीजें ना फोर्समेंट के साथ करनी पड़ेगी, ना वो चीजें आपको किसी को बोल कर करनी पड़ेंगी। एवरीथिंग विल बी ऑलवेज इन योर फेवर, सो यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल एंड यू हैव टू बी वेरी प्योर इन योर सॉल, देन योर सॉल विल जस्ट फाइट फॉर यू, नॉट फाइट, जस्ट ऑलवेज जस्ट गिव योर फेवर इन योर फेवर। तो चलिए अगली बात बता दूं, यू ऑलवेज बी विक्टोरियस, आप हमेशा ही जीत रहेंगे। अब कैसे जीत होती है भाई? अब स्पिरिट मतलब सत्य, तो सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। आखिर इन बातों का क्या कनेक्शन है हमारा? हमारा कनेक्शन है जब भी हम सत्य होते हैं तो हमारा जो ये शिव है, शिव मतलब हमारा, जब हम अपने शरीर को कहते हैं कि जब तक हम मरने से पहले इसे शिव शव से शिव नहीं बनाते, ये कभी भी शिव जी नहीं बनता। तो हम इसको कैसे बनाते हैं? हम जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा भरते हैं, हम चाहे किसी भी रिचुअल को, किसी भी बिलीव सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम कहीं ना कहीं, चाहे वो मेडिटेशन करते हैं, आप ओम के थ्रू करते हैं, आप वर्ड ऑफ गॉड पे करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारी सबकी बॉडी साइंस, बॉडी लैंग्वेज, प्रेयर के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, फेथ थॉट्स हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं, और वही एक साइंस है जो हमारी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाती हैं और हमारे पास आती हैं। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो ये जो हमारा शव था पहले, फिर ये अपने आप आपके लिए शिव बन जाता है। तो शिव बनने के लिए तो हम सबको अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत जरूरत है। फिर फ्रेंड्स उससे पहले अपने आप को समझाना मेंटली लेवल पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब सेम एनर्जीज है स्पिरिट लेवल पे, लेकिन हमारी क्वालिटी स्पिरिट लेवल पे अलग अलग है। कैसे? मैंने आपको बताया ना, सोल नंबर 1 एंड सोल नंबर 3। तो चलिए अब मंडे स्पेशल में इंतजार कीजिए आप सोल नंबर 3 की पावर क्या है, क्योंकि 3 की पावर से क्या क्या होता है और किस तरह वो एक गाइडिंग नंबर है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट और अपना रखना पड़ेगा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ऑन चैनल ऑफ हैप्पीनेस एंड जस्ट सब्सक्राइब योर हैप्पीनेस विद माई हैप्पी यूनिवर्स। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई स्पिरिट। बाय बाय, टेक केयर।